खबरों में है दम। सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज देखें हर खबर कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए 9685369684 पर। तो चलिए देखते हैं आज की हम लोग कहरपुल से ग्रसक है। हम लोग यहाँ समस्या ये है कि कहरपुल नेम्स में धान पंजीयन सेंटर अभी चालू नहीं किया गया है और लगभग ये 8 से 9 दिन बीत चुके हैंगे और 10-12 दिन शेष बचे हुए हैं। 10-12 दिन शेष बचे हैं पंजीयन के और समय रहते अरे पंजीयन नहीं हो पाएगा तो हम लोग किसानों को धान ये फिर मार्केट में यहाँ वहाँ बेचना पड़ेगा। कोई समस्या लेकर लोग यहाँ पे आए। कम रेट में धान बिकेगी, उसकी खाना पूर्ति कहाँ? कम रेट में धान बिकेगी और हर और कहाँ पर कहाँ कहाँ पे? अभी आपको बता दूँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 29 पंजीयन सेंटर चालू हुए हैं और लगभग 8 पंजीयन सेंटर अभी भी चालू नहीं किए गए हैं और जिसमें अभी हम लोग केवल कहरपुर लैम्स के लोग आए हुए हैं और बाकी लैम्स के लोग अभी कोई भी नहीं आए हैं। इसके पहले भी आपने शासन को इस बारे में जानकारी दी होगी या ली होगी? जी, अभी मैंने जब बीच में पेपर के मार्फत भी जानकारी दिया था और मैनेजर साहब से बोला था और बीच में खाद अधिकारी से बात किया था। मैं तो बोला था हमारा प्रयास जारी है, सेंटर चालू करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हो रहे थे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण? अब उनका ये कहना जिला खाद अधिकारी का कि भैया हमारे यहाँ से गड़बड़ी नहीं है, जो भोपाल से पोर्टल से कंप्यूटर में दिख नहीं रहा है। ऐसा क्या किसान इससे वंचित होंगे? ये अब हमारे यहाँ के लगभग 500 किसान कहरपुर लैम्प से कहेंगे और जैसे 8 केंद्र अगर ये 8 केंद्र की बात करेंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3-4 हज़ार से ऊपर किसान उसमें आ जाएंगे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक